हेलो एवरीवन, आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मैं कैरेट वॉलनट केक की रेसिपी, जिसे हम बनाएंगे बिना ओवन के। तो पतीले में बनाएंगे इसे और ये सुपर टेस्टी होने के साथ साथ सुपर हेल्दी भी है। तो चलिए फटाफट से इस रेसिपी को हम शुरू करते हैं। इस केक को बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने आधा कप चीनी ले लिया है, एक पतीले में डाल दिया है। तो थोड़ा सा मोटे तले का अगर पतीला ले तो काफ़ी अच्छा रहता है। इसे हम कैरेमल बना के तैयार करेंगे। 2 टेबल स्पून के करीब इसमें पानी डाल दिया है। डाल के इसको हम लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से, जब तक चीनी मेल्ट नहीं हो जाती है तब तक पकाएंगे। देखिए इस तरह से लगातार चलाते रहना है और यहाँ पे धीरे धीरे ये चीनी मेल्ट होने लगेगी। इसके बाद इसका कलर जब तक ऐसा गोल्डन सा नहीं हो जाए तब तक आपको इसको पकाते रहना है। तो देखिए बढ़िया सा कैरेमल बन के तैयार हो गया है। तो आप देख सकते हैं क्या परफेक्ट कलर आया है इसका। इसमें लगभग आधा कप के करीब हम पानी डाल देंगे। तो गैस की फ्लेम को ऑफ करने के बाद ही पानी डालें, कई बार छींटे आते हैं इसमें से, तो थोड़ा ध्यान से करें। इसे अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और कैरेमल हमारा तैयार है। इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो इस कैरेमल को केक में डालने से काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है और कलर भी काफ़ी अच्छा आता है। इसे साइड में रखते हैं। एक मीडियम साइज़ का गाजर लिया था, उसे कद्दूकस करके रखा हुआ है। यहाँ पर थोड़ा सा अखरोट है, आधा कप के करीब होगा। इसे हम थोड़ा चॉप कर लेंगे। इसे भी हम रखते हैं साइड में। यहाँ पर देखिए मेरे पास है खजूर, इसके बीज निकाल देंगे और इसको भी हम इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में चॉप कर लेंगे। चलिए इसे भी हम रखते हैं साइड में। यहाँ पर हमने 2 कप मैदा लिया है, तो मेजरमेंट का ख्याल रखें। इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच बेकिंग सोडा और 1 चम्मच डाल देंगे इसमें हम बेकिंग पाउडर, और अच्छे से इसको हम छान लेंगे। तो मैदे के साथ छानने से ये अच्छे से मिक्स हो जाता है। साथ ही यहाँ पे ऐड करेंगे हम 1.5 कप के करीब पिसी हुई चीनी। तो नॉर्मल चीनी को लेके मैंने मिक्सर में चला लिया था और इसे डाल दिया। तो 1.5 कप से मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कम ही रखा है चीनी। आप चाहें तो 1.5 कप भी डाल सकते हैं अगर मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो। साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे वेजिटेबल ऑयल। तो यहाँ पर डाल रही हूँ 1.5 कप ही वेजिटेबल ऑयल। तो यहाँ पर मैं सनफ्लावर ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखें कि सरसों का तेल नहीं होना चाहिए। उसके बाद इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा फेंट लिया है इसे। इसमें हम डालेंगे 3 अंडे। तो अंडे को पहले निकाल के डालें, कई बार अंडे ख़राब हो सकते हैं तो आपका सारा बैटर ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से अंडे को किसी बोल में या किसी भी चीज़ में निकाल के आप फिर उसमें ऐड करें। उसके बाद हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसे। जैसे कट एंड फोल्ड के मेथड से अगर आप करें तो अंडा निकल के बाहर नहीं आता है। और इस तरह से अच्छे से इसको हम फेंट लेंगे। इसमें डालेंगे हम कैरेमल जो अभी बना के रखा था। तो देखिए ये ठंडा हो गया है और थोड़ा ये थिक सा हो गया है। कितना अच्छा कलर आया है कैरेमल का। इससे ज़्यादा डार्क नहीं करना है कैरेमल को, वरना ये कड़वा हो जाएगा। हल्का सा बिटर टेस्ट तो होता है कैरेमल का, इसमें से थोड़ा सा मैंने बचा लिया है। साथ में इसमें जो गाजर ग्रेट करके रखा था उसे ऐड कर देंगे, और यहाँ पर अखरोट और जो खजूर था उसे भी हम डाल देंगे। डाल के अच्छे से इसको हम थोड़ा फेंट लेंगे। तो केक का बैटर देखिए ये थोड़ा सा स्टिकी सा हो जाता है। यहाँ पर लगभग आधा चम्मच के करीब वनीला एसेंस ऐड किया है और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए इस तरह का बैटर होना चाहिए थिकनेस। और अब चलिए हम इसके लिए जिसमें हम इसको बेक करेंगे वो बर्तन तैयार कर लेते हैं। एक मोटे तले का कोई भी पतीला ले लें, एल्यूमिनियम का हो तो अच्छा है। उसमें हम डाल देंगे इस तरह से नमक। तो ये नमक मैंने कई बार यूज़ किया है इसलिए इसका कलर आपको ऐसा दिख रहा है। आप कोई भी सफ़ेद नमक ले लें और लेने के बाद इसको इस तरह से सेट कर दें, और उसके ऊपर हम डाल देंगे इसको ढक्कन को। ढक्कन बिल्कुल अच्छी तरह बंद होने वाला होना चाहिए और गैस की फ्लेम ऑन करके इसको अच्छी तरह गर्म होने के लिए देंगे। तो जब तक ये गर्म हो रहा है चलिए हम केक का मोल्ड तैयार कर लेते हैं। जिस बर्तन में आपको बनाना है केक उसमें थोड़ा सा ऑयल डालें। डालने के बाद इसको आपको इस तरह से अच्छे से चारों तरफ फैला लेना है, साइड्स पे भी अच्छे से लगा लेंगे। और इसमें हम 2 चम्मच के करीब डालेंगे मैदा और इसको अच्छे से हम डस्ट कर लेंगे।
तो इस तरह से करने से ये अच्छे से चिपक जाता है तेल के ऊपर में, और जो एक्स्ट्रा है उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। तो टिन हमारा तैयार हो गया है, इसमें हम डाल देंगे जो केक का बैटर था उसे, तो आधे से थोड़ा कम ही डालें बैटर, क्योंकि बेक होने के बाद ये फूल जाएगी और ऊपर तक आ जाएगी। और इसे एक से दो बार इस तरह से टैप कर लेंगे ताकि अगर एयर बबल्स होंगे तो निकल जाएंगे और केक हमारा इवनली बेक होगा। तो ढक्कन को खोलते हैं और देखिए ये जो नमक था वो काफ़ी गर्म हो गया है और गैस की फ्लेम को यहाँ पे बिल्कुल लो पे कर दिया है, और काफ़ी आराम से आपको इस तरह से इस बैटर को डाल देना है इसके अंदर में। तो साइड काफ़ी गर्म है, या तो आप ग्लव्स का इस्तेमाल करें या इस तरह से आप इसमें डालें। और डालने के बाद इसको हम ढक्कन को लगाएंगे और इसके ऊपर कोई भी हैवी वेट जो भी कुछ आपके पास हो वो रख दें। थोड़ा सा बैटर बच गया था उसे मैंने इस तरह से एक टिफ़िन था उसमें मैंने डाल दिया है, और डालने के बाद 180 डिग्री पे इसको हम बेक करेंगे। तो इसे भी लगभग लग जाएंगे 25 से 30 मिनट बेक होने में। तो देखिए यहाँ पे मेरे 40 मिनट हो चुके हैं बेक करते हुए, और देखिए केक हमारा बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए एक छुरी लेते हैं और लेने के बाद इसको हम चेक कर लेते हैं, और देखिए छुरी बिल्कुल जो है क्लीन निकल आई है, इसका मतलब है केक हमारा परफेक्टली बेक हो गया है। ये भी केक हमारा अच्छे से बेक हो गया है, तो इसे भी हम निकाल लेते हैं और इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने के लिए देंगे, और उसके बाद इस तरह से छुरी से आप पहले साइज़ क्लीन कर लें, उसके बाद इसको आप अनमोल्ड करें। तो ऊपर से एक प्लेट रखेंगे, उसके बाद इसे हम पलट देंगे और एक से दो बार आपको इस तरह से टैप करना है, और देखिए ये आराम से निकल कर आ जाएगा, परफेक्ट बेक हुआ है ये केक। ये जो हमारे पास थोड़ा सा कैरेमल हमने बजाया था, चाहे तो आप ऊपर से लगा लें। और जो पिसी हुई शक्कर थी उसे आप चाहे तो इस तरह से थोड़ा सा डस्ट कर सकते हैं, तो इससे टेस्ट काफी अच्छा आता है। रेसिपी अगर पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये कंप्लीटली फ्री है। तो आपको मैं इसको इस तरह से कट करके दिखाती हूँ, क्या परफेक्ट केक बनके तैयार हुआ है, कितना इवनली बेक हुआ है ये केक। ऊपर से आप डाल दें थोड़ा सा अखरोट, तो देखिए दोनों ही तरह से बिल्कुल परफेक्ट केक बनके तैयार हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप केक नहीं बना सकते हैं, तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। रेसिपी अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा रेसिपी कैसी लगी। अगली बार फिर मुलाकात होगी इसी जैसे कुछ खास रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।